आप लोग सोचते कैसे हो इतना अच्छा? बिफोर द ऑडियंस कैन प्रोबेबली थिंक कि आगे क्या डेवलपमेंट होगा, इज वेयर द अदर ट्विस्ट इज ऑलरेडी रेडी इन फ्रंट ऑफ यू. Hi guys, this is Madalsa Sharma Chakrabarti and today we're doing this segment called Poll Kholo with Telly Masala. So let's begin. सबसे पहले तो जानना पाऊंगी आपकी जो सीरियल में है अनुपमा, आपकी जो ऑपोजिट काफी ज्यादा जो टर्शन देखने को मिल रहा है उनके बारे में. अनुपमा रूपाली गांगुली जी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट दैट. अ वेरी स्वीट एंड अ हम्बल ह्यूमन बींग ऑल्सो. उनकी जो बात मुझे बहुत पसंद है दैट शी इज़ वेरी हम्बल ऑफ कोर्स इन एवरी वे पॉसिबल एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर एनिमल्स, फॉर डॉग्स एंड एवरी थिंग. सो एग्जैक्टली यही देख कर बहुत अच्छा लगता है. आई कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन अ पर्सनल लेवल बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ डॉग लवर एंड आई एम अ पेट लवर. So we have a lot of things in common and of course a very good performer. So as an actor, जब आपके पास आपके साथ ऐसे co-actors होते हैं who are good performers, so automatically it gives you a lot of boost and yeah, that's a great thing. Okay, Vanraj. Vanraj Sudhanshu Pandey ji, he is a gem of a guy and a very good soul, a very good human being. So मुझे लगता है कि जब भी मैं उनसे बात करती हूँ ना, I mean his vibrations are so good, so positive, so full of energy. And he knows how to keep everybody comfortable on set. And he's a great friend. So yes, all good things. And I wish ke aage jaake bhi hamari dosti aise hi rahe. So yep, Sudhanshu ji is a very good actor, a very good soul. Okay, Tasneem Rakhi. Rakhi ji, Tasneem. Tasneem ji again, she's a very sweet girl, a very sweet lady, a very sweet friend of course. And we share a lot of off-screen bonding as well. तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ भी बात करके. एंड शी इज़ नोन माई मदर ऑल्सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो एक अलग एक टच है हमारा टू आर फ्रेंडशिप. एंड शी इज़ अगेन अ वेरी गुड एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट दैट. एंड अ वेरी प्रिटी लुकिंग लेडी ऑल्सो. पारस कलनावत. ही इज अ क्यूट लिटल, अ वेरी स्वीट, अ क्यूट एंड अ बबली बॉय. एंड बहुत अच्छा लगता है उनके साथ भी सारे सीन्स करके. ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड परफॉर्मर एट द एंड ऑफ द डे, बट अ वेरी वेरी नॉटी सोल ऑल्सो. सेट पे मज़ा आता है, यू नो, वेन एवर ही इज अराउंड सेट्स इट्स अ लॉट ऑफ फन. वी कीप डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मस्तीज एंड प्रैंक्स ऑन ईच अदर. सो या, पारस इज अ वेरी वेरी स्वीट क्यूट गाय. आशीष इज ऑल्सो अगेन अ गुड परफॉर्मर, अ ग्रेट गाय एंड अगेन मस्ती खोर है बहुत. तो सेट पर जब भी हम होते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हम शॉट के बीच में बैठे हैं तो हम सोचेंगे कि अभी क्या करना है. वैसे तो इतना टाइम मिलता नहीं है टू बी ऑनेस्ट शॉट के बीच में बैठने के लिए, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर अगेन इन कॉमन व्हिच आई एंड आशीष शेयर. सो वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी टॉक अबाउट प्लेसेस एंड वी टॉक अबाउट ट्रिप्स एंड वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स जो कि हम प्री कोविड टाइम में करते थे. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू बी अराउंड हिम. मुस्कान इज अ वेरी क्यूट गर्ल अगेन, क्यूटी पाई, स्वीट, गुड परफॉर्मर, नो डाउट. एंड पाखी के साथ मेरा भी एक अच्छा बॉन्डिंग है बिकॉज पाखी एंड काव्या दे आर बेस्टीज इन द शो. आई मीन दे यूज टू बी बेस्टीज ऑफ कोर्स, बट अभी भी जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा ही बॉन्ड है बिकॉज एट अ टाइम वी शेयर सच गुड मेमरीज एंड सच गुड टाइम्स टुगेदर. तो अब हमारे बीच में कोई ऐसी इतना कोई बिटरनेस नहीं है. बट ऑफ स्क्रीन अगेन आई शेयर अ वेरी स्वीट बॉन्ड विथ हर. शी इज अ वेरी क्यूट गर्ल एंड ऑफ कोर्स आई विश हर ऑल द बेस्ट. Sorry? Arvind. Oh my god, he's the cutest on set. He's the best guy on set actually. If I have to say somebody who's the best on set according to me, it's Arvind ji. Because itne pyare hain, itne sweet hain. Unse jab bhi baat karti hu mujhe dil mein ek khushi hoti hai. I feel happy in my heart. You know, when you talk to somebody who is such a good soul again, you feel so happy talking to them. So Arvind ji, all my love and respect for you always. Okay, Alpana ji. Alpana ji again, she is a very cute and notorious woman and a very good performer, no doubt. And unke jo one liners hote hain na as ba, they are so bang on ki humko kabhi kabhi take ke time bhi hansi aa jati hai jis tarah se wo apne one liners deti hain, because again that's how the script is written and she does it fantastically. Very sweet lady of course. So yeah. Nidhi is a very sweet girl again, very good performer and it's fun to be around her. काफ़ी सारी बातें करते हैं एंड काफ़ी मस्ती करते हैं ऑन सेट. सो या, शी इज़ अ स्वीट हार्ट. ओके, अनघा. अनघा अगेन स्वीट हार्ट है, अच्छी परफॉर्मर है. और अनघा के साथ पहले से ही जब, बिकॉज वी आर अगेन शोन फैमिली इन द शो, तो हमारे भी काफ़ी वन ऑन वन सीन्स हुए हैं, तब हमें मौका मिला एक दूसरे को जानने का. वेरी स्वीट गर्ल, डाउन टू अर्थ, बहुत प्यारी लड़की है. यू फॉरगॉट टू मेंशन वन पर्सन, रुशाद अनिरुद्ध, जो कि काव्या के कैरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
So Anirudh, who is played by Rushad Rana, again is a fantastic actor, brilliant performer. Because जब भी मैं उनके साथ कोई भी scene करती हूँ, his intensity is so bang on. So lovely performer again. So yeah, big thumbs up for Rushad. एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हमने बात की सभी एक्टर्स के बारे में, काफी ज्यादा मैं देख सकती हूँ कि जिस तरह से आपने ऑफ स्क्रीन की बात की, ऑन स्क्रीन उतनी ही नोकझोंक देखने को मिलती है. Yes. तो जब ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन एक बार कंबाइंड करके किस तरह से एक अलग ही बॉन्ड आप लोगों का ऑफ स्क्रीन भी दिखाई देता होगा, तो वो एक कुछ ऐसा आप बता सके जो व्यूवर्स उसको जान के और भी ज्यादा खुश हो सके. यही तो डिफरेंस है, यू नो, व्हेन वी एक्टर्स, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग, तो ऑन स्क्रीन जो हमारा है, जितना अब कितने कैरेक्टर्स है जिसके साथ काव्या का, तो मेनली टशन ही है विथ एवरीबडी, यू नो, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. सो ऑन स्क्रीन टशन, एंड जैसे ही कैमरा कट होता है ऑफ स्क्रीन, वी ऑल्सो, यू नो, वी लाइक सच चिल विथ ईच अदर. सो दिस इज द ब्यूटी आई थिंक ऑफ द एंटायर टीम एंड द टुगेदरनेस दैट वी हैव एज अ टीम, कि ऑन स्क्रीन जो भी हमारा कनेक्शन है विथ ईच अदर, उतना ही लविंग ऑफ स्क्रीन है. So I think it's again a blessing to have a team जो कि इतनी अच्छी है, and a team with who you feel comfortable, because it's a daily soap. So again, you are connecting and meeting everybody on a daily basis. तो जब आप daily basis पर काम करते हैं, तो the team has to be very tight, and touchwood हमारे केस में बिल्कुल ऐसा ही है. So off screen, I'm sure जब भी हम अपने Instagram पे and यहाँ वहाँ, we keep sharing so many stories and people love the way we all connect on a personal level also. So it's a lot of fun. Okay, अब सिर्फ last चीज़ ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से अनुपमा work कर रहा है, काफ़ी अच्छी TRPs आ रही है, तो कुछ क्या कहेंगी fans के लिए? जितना भी मुझे लगता है thank you कहा जाए उतना कम है, तो वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा motivate करती है जब TRP सबसे high आती है, जब number one पर होता है show? Touchwood, we've been blessed that our show has always been on number one, and I think sorry, can you repeat the question? TRP number one पर आ रही है, back to back काफी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो एक चीज़ जो आप व्यूवर्स से कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो हर एक कैरेक्टर को प्यार कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को सराहा रहे हैं, जैसा भी कैरेक्टर है उसे काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे? I think it's the viewers, of course, because they are so well connected with every episode and with the show, na. So this is what I think plays the best for all of us, and इसी से तो हमारा show number one है. It's all because of you. It's all because of the viewers. और जो TRP को number one पे touchwood अब तक रखे आ रहे हैं is the twist and the turns which are happening in every episode. Because if you see the graph of the show, every episode leaves you on a cliffhanging moment, you know, जहाँ पर you're at the edge of your seat and you wonder कि आगे क्या होने वाला है. Because हर episode में ऐसा लगता है कि ठीक है, अब ये एक चीज़ reveal होगी, उसके बाद फिर आगे क्या development होगा. So before the audience can probably think कि आगे क्या development होगा, is where the other twist is already ready in front of you. You know, it's like एकदम in a tray presented in a very nice fancy way in front of the audience, कि देखो अब ये है, अब ये होने वाला है, अब ये होगा. So I think that's what is working very well for all of us, and the writers and our direction team, and of course Rajan sir gives his inputs every single episode, every single scene unke inputs hote hain, which is keeping the show at this level. So yeah, all the twists and the turns are something jo ki hum actors bhi surprise ho jate hain jab hum episodes padhte hain aur jab hume pata chalta hai ki aage kya hone wala hai. So we like, आप लोग सोचते कैसे हो इतना अच्छा? आई मीन इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन. आई मीन एंड एवरी एपिसोड में इतना लिखना इज नॉट ईजी, कमिंग अप विद सच अमेजिंग ट्विस्ट्स. सो हैट्स ऑफ टचवुड टू द एंटायर टीम ऑफ अनुपमा, एंड या वी आर ऑल प्रेइंग दैट इट कंटिन्यूज दिस वे, एंड वी आर ऑल राइट हियर टू डू आवर बिट ऑफ हार्ड वर्क.